ओके, लेक्चर 3 शुरू करते हैं। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, जैसे ए बी सी डी विद ए बी सी डी। एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर फिर भी देख लेते हैं। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी तो क्या है कि ए इंटू ए प्लस, मतलब सबसे पहले अगर हम करेंगे बस एक मैं दिखा देता हूं बाकी आप समझ जाएंगे। तो ए इंटू ए मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। सेकंड मतलब फर्स्ट रो के ही सेकंड एलिमेंट के लिए, रो तो फर्स्ट रहेगी कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू डी। ओके, अब बात करेंगे अगर इसकी करते हैं सी इंटू डी। अगर हम यहां की बात करते हैं तो ये क्या है कि सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम। ओके, तो सी इंटू ए प्लस ये डी इंटू सी, ठीक है। ये सभी को आता है फिर भी मैंने बता दिया, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको हटाते हैं। अगर हम बात करें, हमने किसी स्केलर से अगर मल्टीपल किया है, मल्टीप्लाई किया है सिंपल सा, तो उसको देख लेते हैं। एक मिनट, के इंटू ए, ए हमारी कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो के टाइम्स ए बी सी डी। तो ये जो के होता है, ठीक है, ये के ए के बी के सी एंड के डी, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना है कि के हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली सेकंड अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, एडिशन सबको पता है। अब एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है कि एडिशन जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, मतलब ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो वो सेम ही रहेगा। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे ही एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो वो बात करते हैं हम तीन के बीच में, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप ए बी को एक साथ करते हैं या बी सी को एक साथ ऐड करते हैं, बाद में तीसरे वाले को ऐड करते हैं, तो ये है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर हम नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करें या नल मैट्रिक्स को ए में ऐड करें, वो हमेशा सॉरी 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 ए के इक्वल होगा, ठीक है, हमेशा ए आ जाएगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक चीजें हैं। हर मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव इनवर्स, ठीक है, क्या वर्ड है उसको देखते हैं। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए और माइनस ए को ऐड कर देंगे तो वो ओ बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसको ऐड कर रहे हैं और ये इनवर्स है, माइनस है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स, तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ। तो अब हमने देखा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी सारी यही प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं।
और अगर एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए माइनस बी किया, तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल लॉजिक और एल्जेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अगर हम दो मैट्रिसेस हैं ए बी उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये, ठीक है, ए इंटू बी, तो जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी उसको हम प्री फैक्टर भी बोल सकते हैं एंड द सेकेंड वन मैट्रिक्स उसको हम पोस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर। अब एक बात है कि दो मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली एग्जिस्ट करती हैं, ए बी एग्जिस्ट करता है अगर, तो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट कि बी ए भी एग्जिस्ट करें। ठीक है, अगर आप ऑर्डर को चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो इससे हम क्या समझें कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे, जैसे एडिशन में हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, सेम है कम्यूटेटिव। सॉरी, ठीक है, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता। बाकी सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे ए बी सी डी को हमने अगर मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी से तो क्या होगा, तो वो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी, पहली रो पहला कॉलम, ए इंटू ए सॉरी ए इंटू बी अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू डी। ठीक है, फिर क्या आया, फिर आई आपकी पहली रो सॉरी दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पे। ठीक है, तो C इंटू ए प्लस डी इंटू सी एंड C इंटू बी प्लस डी इंटू डी। ठीक है, सिंपली होता है मल्टीप्लीकेशन, तो प्रैक्टिस से आ भी जाएगा और सभी को आता भी होगा। अगर ए बी ओ के इक्वल है, ठीक है, कोई दो मैट्रिसेस हैं ए एन बी, तो बी ए भी नल मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी केस में हो भी सकता है, वैसे नीड नॉट भी नल मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपल। अगर दूसरी बात करते हैं, दो मैट्रिसेस हैं ए बी, ठीक है, अगर ए बी ओ है तो ये जो दोनों हैं इनके लिए एक स्पेशल टर्म है, वो है सिंगुलर, ये दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अगर ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है, इफ इन केस, और उस केस में भी बात ठीक है, नॉन सिंगुलर है, उस केस में भी बात आई कि हमारा ए बी जीरो है, तो ये हो जाता है नेसेसरी कि बी हमारा ओके इक्वल होगा, तभी ए इंटू बी ओ हो सकता है, नल मैट्रिक्स हो सकता है, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो। ठीक है, वरना क्या है, सिंगुलर होना नेसेसिटी है, अगर ए बी ए इंटू बी, यहाँ पे ये नॉन जीरो हो सकते हैं, इस बात को थोड़ा सही से समझेंगे। ठीक है, सही से समझेंगे। ठीक है, अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि वो दोनों मिला के सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ओके, अगर हमारा ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमने कह दिया कि नहीं हम तो नहीं चाह रहे, हम दोनों को नॉन सिंगुलर नहीं करेंगे, हमने ए को नॉन सिंगुलर कर दिया, फिर भी ए बी को आपको जीरो करना है, बात को समझिए, फिर भी अगर ए बी को आपको जीरो करना है तो आपको एक मैट्रिक्स को आपको नल मैट्रिक्स करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल सा एलजेब्रा, मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन खत्म होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा पॉइंट, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए एम क्रॉस एन का एंड बी एन क्रॉस पी का, सबसे पहली बात तो ये सबको पता भी होगी कि ये जो ऑर्डर होता है तो पहली वाली मैट्रिक्स का बाद वाला टर्म और इसका, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, इक्वल टू होने चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए सबसे पहली बात। अब ये मान लिया ये एग्जांपल है, पहली मैट्रिक्स आपकी ये है, दूसरी ये है। अब इसमें बात आती है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, समझ रहे हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस कितने होंगे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम याद करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमारे होते हैं एम पी एन, ठीक है, तीनों का, ये जो तीन हमारे पास ऑर्डर होगा ना, एम होगा एन तो इक्वल हो गया, तो एम पी एन, और जो हमारा इक्वल होता है एडिशंस में उसका एक टर्म कम हो जाता है। मान लो ये फॉर एग्जांपल ये होता है 4x3 एंड 3x2 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स इस ऑर्डर की है, एक इस ऑर्डर की है, ठीक है, समझते हैं। ये कितना होगा 4x3x2, यहाँ पे भी होगा क्या होगा 4x2, लेकिन ये जो 3 है ये हमारा 1 घट के 2 हो जाएगा, तो 4x2x2 मतलब 16 एडिशंस एंड 24 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एडिशन जो हमारे होते हैं तो वो इतने इतने होंगे। तो इसका सिंपल है m इंटू पी इंटू एन, एम इंटू पी सेम रहेगा, n में एक -1 हो जाएगा जब एडिशन की बात आएगी, ठीक है। थैंक यू।